अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। डिप्टी सीएम साहब ने अच्छा जवाब दिया, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं इस हाउस के अंदर कि लव जिहाद नाम लाकर के एक समुदाय को बार बार चिन्हित किया जा रहा है। जिहाद, मैं आपको जिहाद के ऊपर बहुत किताबें दे सकता हूं, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। लव जिहाद नाम की कोई भी कमेटी भारतवर्ष में नहीं है। आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर। उसके बाद सर वहां पे अपना केरल की बात आपने किया, केरल में एनआईए ने इंक्वायरी किया, लव जिहाद नाम की कोई कमेटी नहीं है। श्रद्धा का मामला जो है सर, बहुत आफ्ताब 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 नाम उठाया गया। सर सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। श्रद्धा वालकर का मामला कोई विवाह का मामला नहीं है, ये लिविंग रिलेशन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो है ना वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं, ये बुराइयां क्यों फैल रही हैं? हमारी घर की बच्ची 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, 18 साल के बाद अपना सरकार चुन सकती है, ये 18 साल की उम्र के बाद किसी आदमी के साथ बिना विवाह के रह सकती है, अपनी मर्जी से रह सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये हम जो भारतवर्ष के कल्चर को भूल रहे हैं, हम अपने देश के कल्चर को भूल रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रश्न 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 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष महोदय मैं अभी गया, सुनिए, मैं अभी अमरावती गया। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग घबराए हुए हैं। मैं अगर वहां वहां की बात करूं अध्यक्ष महोदय, वहां पे जो सुमैया नाम की लड़की थी, अब नहीं वो दूसरा, वहां जो मामला था अमरावती के पास का, अध्यक्ष महोदय उस वो लड़का ड्राइवर था। यहां पर ये अपना नारायण राणे साहब के बेटे नीतीश राणे ने बहुत उठाया इस मामले को, उसकी जड़ तक जाइए अध्यक्ष महोदय। 5 साल से वो दोनों लड़के में आपस में मोहब्बत थी, और वो लड़के का नाम, वो लड़का मुस्लिम इमरान नाम का लड़का था और लड़की का नाम खुशबू था, 5 साल से। और इन दोनों ने जिस दिन विवाह कर लिया उसी दिन एक समुदाय, प्रश्न क्या आदमी से, प्रश्न क्या अध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्न क्या बोलने दीजिए, आप सच्चाई सुनने की कोशिश कीजिए। अध्यक्ष महोदय प्रश्न क्या, मेरे बात में एक सवाल सच्चाई है, सुनिए आप। उसी दिन जिस दिन उस लड़की लड़के ने विवाह किया, एक समुदाय के लोग लड़की के घर पर जाकर उसको दबाव डाले और लड़के के घर पर जाकर उसके भाई बाप को पकड़ लिया कि जल्दी उसको बुलाओ, बुलाने कर लिया कि जल्दी उसको बुलाओ, बुलाने के बाद लड़की लड़के को अलग कर दिए। अध्यक्ष महोदय, लड़की से यह स्टेटमेंट दिलाया गया कि लड़का हिंदू था, लड़का हिंदू बन के शादी किया, मुस्लिम था। तो ये अध्यक्ष महोदय उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है, जो 5 साल तक एक साथ थे वो लड़का, उस लड़के के बारे में लड़की को नहीं मालूम, लड़की बीएससी पढ़ी लिखी है, लड़का सुनिए, ये बात तो सुनिए ना। नहीं नहीं, ये स्कोप के बाहर है अध्यक्ष महोदय, ये स्कोप के बाहर है। प्रश्न विचारा अपन, मैं प्रश्न विचारा, अपन प्रश्न विचारा, प्रश्न विचारा ना कि हाउस को, हाउस में दिशा भूल की जाती है, बसा तुम्ही बसा, अननेसेसरी बातें लाई जाती है, बसा तुम्ही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लड़की बीएससी थी, प्रश्न विचारा पास था, लड़की को मालूम था, माला पुणे जाने लगे ना, तो प्रश्न विचारा तुम्ही किया था, इस बात को हाउस में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नाजिया आरिफ शेख, ठीक है, उप मुख्यमंत्री का ध्यान चाहता हूं, मैं माननीय उप मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नाजिया आरिफ शेख नाम, नहीं नहीं, आप सवाल पूछिए, आप पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं, प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न का है, मैं यहाँ केस बदल अपना स्पेसिफिक प्रश्न का है, थोड़ा विचारा। नाजिया आरिफ नाम की लड़की वैभव किशोर राव के साथ चली गई है, ये 28/5/22 को इसका चला जो चंद्र चंदूर रेलवे चला, इसकी कंप्लेन है, आज तक वो लड़की नहीं मिली थी अध्यक्ष महोदय, आज तक उसको नहीं लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सुमैया 15 साल की, विपिन नहीं, बस अभी साथ चली गई। आजमी साहब, अपन 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 सीनियर सदस्य आज, स्कोप च्या बाहेर एवढं जाणं नाही, बरोबर नाहीये, नाही नाही नाही, बरोबर नाहीये। आपण प्रश्न विचारा, नाही तर मी दुसऱ्या सदस्याला संधी देणार, मी पुढच्या सदस्याला संधी देणार, आपण स्पेसिफिक प्रश्न विचारा। मिनिस्टर भी है, उनसे कहना चाहता हूँ, बसा तुम्ही, उपमुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब, एक तरफ ध्यान दीजिए आप, चला सुमैया नाम की 15 साल की लड़की, सम्मान्य उपमुख्यमंत्री महोदय के साथ चली गई मानखुर पुलिस स्टेशन में 14/5/21 से, सम्मान्य उपमुख्यमंत्री महोदय, आप लोग उत्तर असेल तेवढं द्या, अनगिनित केस, आजमी साहब झालं, आजमी साहब झालं, सन्मान झालं झालं झालं, सन्मान्य आजमी साहेबांनी जे विषय मांडलेले आहेत, बसा तुम्ही बसा, ज्या तक्रारी केलेल्या आहेत जरूर त्याचीही चौकशी केली जाईल,
आणि कुठल्याही धर्माची मुलगी असली आणि ती अडचणीत असली तरी तिला न्याय दिला जाईल. चला आशीष.